तहरीके इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात जो है वो अब खुलकर सामने आ गए हैं और शाह महमूद के बयान पर जहांगीर तरीन का रद्द अमल जो है वो सामने आया है और जहांगीर तरीन ने अपने रद्द अमल में कहा कि मैं जहां भी जाता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान की मर्जी और ख्वाहिश पर जाता हूँ, सियासी मामलात के हवाले से मैं सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म को ही जवाब दे हूँ। इस बार जहांगीर तरीन ने शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया और कहा कि इस हक को शाह महमूद समेत कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता और पाकिस्तान की खिदमत मेरा करना जो है वो मेरा हक है। इस हवाले से जो तरीके इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात थी जो पहले भी सामने आते रही, अब हुकूमत में आने के बाद भी जो जमात की अंदरूनी इख्तलाफात थे वो एक बार फिर खुल के सामने आ चुके हैं। जो दो बड़े हैं तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी, उनके बयानबाजी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है और अब यकीनी तौर पर इस हवाले से पार्टी के अंदर मजीद जो है वो शिदत से इस बार पर सोचा जाएगा कि दो रहनुमाओं के दरमियान जो जंग थी वो एक दफा सर्द हो चुकी थी हुकूमत में आने के बाद, लेकिन अब लगता यूं है कि जो जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद जो सियासी जो सरकारी मीटिंग है उसमें शिरकत करने के हवाले से शाह महमूद कुरैशी जो है काफी ज्यादा शदीद नाराज दिखाई दे रहे हैं और अब दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे पर बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू कर दिया है।